हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम के ऑनलाइन स्टडी। और मैं हूं मनीष। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू ओपन कैलकुलेटर, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाना और हमारे जो डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है उसको कैप्चर कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए। तो दोस्तों, कैलकुलेटर को ओपन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो बात करते हैं पहला तरीका। आप स्टार्ट पे क्लिक करिए। ऑल प्रोग्राम के जाने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, एसेसरीज है। एसेसरीज के जाने के बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर है। यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए कैलकुलेटर दोस्तों ओपन हो गया। अब हमें जो भी कैलकुलेशन करना है हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 70 + 30 करना है दोस्तों, तो देखिए हम करते हैं =100 आया। अब बंद कर देते हैं इसको हम। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका है जो दोस्तों, वह है विंडोज़ आर करिए आप, रन मेनू खुलेगा। यहाँ पे दोस्तों हमें लिखना है CALC, आप करिएगा ओके या एंटर। दोस्तों देखिए हमारा कैलकुलेटर ओपन हो गया है। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसे लाते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो कीबोर्ड होता है कभी काम नहीं करता है किसी कारणवश, तो उस केस में हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ टाइप करने की। तो हम कैसे टाइप कर सकते हैं? तो दोस्तों हमें कुछ टाइप करना है तो उस समय हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करके हम अपना काम कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों देखिएगा, आप स्टार्ट पे क्लिक करिएगा, यहाँ ऑल प्रोग्राम पे चलिएगा। एसेसरीज के जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें ढूंढना होगा एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी में देखिएगा दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, आप क्लिक करिएगा। ये हमारा कीबोर्ड ऑन हो चुका है दोस्तों। अब हमें जो भी कुछ टाइप करना है हम इसकी मदद से टाइप कर सकते हैं। कैप्स लॉक ऑन करना हो तो यहाँ से करिए, देखिए दोस्तों कैप्स लॉक ऑन हो गया है। अब जो भी हम कुछ टाइप करेंगे तो कैप में ही होगा। इसके बाद यहाँ पे स्विफ्ट हुआ, एंटर हुआ और सारा काम जो हम जनरली कीबोर्ड में करते हैं सारा काम ऑन स्क्रीन कर सकते हैं। दोस्तों इसको भी ओपन करने का दो तरीका है। तो बात करते हैं दूसरा तरीका। दूसरे तरीके के लिए आप विंडोज़ आर करिए, रन मेनू पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप जस्ट टाइप कर दीजिए OSK और करिएगा ओके। देखिए दोस्तों दूसरे तरीके से भी हमारा कीबोर्ड आ चुका है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है हमारा कि हमारा जो ये स्क्रीन है, कभी कभी जैसे हम मोबाइल में स्क्रीन शॉट लेते हैं तो क्या हम अपने लैपटॉप या विंडो के जो डेस्कटॉप है उसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों। उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। आप स्टार्ट क्लिक करिए, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद दोस्तों एसेसरीज में जाइएगा। एसेसरीज में जाने के बाद दोस्तों देखिए हमारे पास है स्निपिंग टूल, आप क्लिक करिए इस पर। देखिए दोस्तों स्निपिंग टूल हमारा एक्टिव हो चुका है। अब ये कह रहा है आपको क्या कैप्चर करना है। तो आपका देखिए ये धुंधला दिख रहा है दोस्तों, और ये पॉइंटर हमारा बन चुका है। अब जितनी स्क्रीन को हमें स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, मतलब कैप्चर करना है, उतने को आप जस्ट सेलेक्ट करिएगा दोस्तों। और जैसे ही आप माउस क्लिक छोड़ेंगे वैसे ही आपका स्क्रीन उतना कैप्चर हो गया दोस्तों। देखिए इस तरह से हम अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगर इसको सेव करना है तो आप यहाँ पे सेव पे आइए दोस्तों। अब जहाँ पे सेव करना है कोई नाम दीजिएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम होता है कैप्चर। सेव करना है तो आप सेव पे क्लिक करिए। तो दोस्तों आज हमने सीखा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाना और कैलकुलेटर ऑन करना और हमारे डेस्कटॉप को कैप्चर करना। अगर यह दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।